राजकुमार जी बेटी पकवाड़ा अपने साथ दो तीन लोग हाँ और कृपया उनको बैडमिंटन बॉल के पीछे से लेके आना है उनको। ताड़ियां लगातार बजती रहनी चाहिए। एक बात और बात बोलूंगा कि जीवन में आप ये ना सोचें कि जब भी आप किसी भी चाहे खेल प्रतियोगिता है चाहे कोई भी कहीं भी आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हारे या जीते, ये मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि आप यहाँ पे आए हैं, अपने अपने स्कूल से आए हैं और आपको ये जज्बा होना चाहिए कि मैंने बढ़िया परफॉर्म करना है, अपना बेस्ट जो है फील्ड में देना है, चाहे वो खेल का फील्ड हो चाहे वो जीवन का संघर्ष हो, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये जो हमारे जो कोई भी जीवन में, मैं आपको बताऊं, बचपन में मैंने भी बैडमिंटन खेला, टूर्नामेंट में यहां से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट चैंपियन भी रहा 3 बार लगातार। और किसी भी क्षेत्र में अगर आपने जीवन में ये सोचा है कि आपने आगे बढ़ना है तो जो आपकी आयु है ये आयु अनुशासन को अपनाने की आयु है। अगर आप अपने जीवन में अनुशासन नहीं सीखेंगे, जो 5 वर्ष से 15 वर्ष की आयु है इसमें अगर आप अपने जीवन में नियम नहीं बनाएंगे तो आगे आपको सफलता नहीं मिल पाएगी। और आज ये जीवन है, आप देश का भविष्य है, प्रदेश का भी भविष्य है, आप अपने हमीरपुर का भविष्य है और ये पूरा जो हमारा समाज है ये आपके कंधों पे आने वाली जिम्मेदारियां हैं। मैं भी आप ही की तरह था, आज ईश्वर की कृपा से यहाँ पे भी बैठा हूँ, उस भगवान की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है। लेकिन जीवन में सिर्फ और सिर्फ मैं एक बात आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, आपको आपके गुरुजन भी ज्ञान देते हैं, मैं भी आपको सिर्फ इतनी बात बोलता हूँ कि जीवन में अपने डिसिप्लिन जरूर रखना है। डिसिप्लिन अनुशासन का मतलब ये है कि जो सोच रखा है, अगर आपने गेम में अगर आगे बढ़ना है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है, जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ना है उसमें जी जान से आगे बढ़ना, उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए। और जब तक आप अपना लक्ष्य की ओर इस तरह से नहीं बढ़ेंगे तब तक आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो अगर कुछ हासिल करना हो तो जीवन में संघर्ष करना पड़ता है।
तो मेरी आप सबसे, और ये नहीं सोचना है जो यहाँ पे आए कि हार गए हैं या जीत गए हैं, आप अपना बेस्ट दें। अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, जीवन बहुत बड़ा अवसर है, अभी आप छोटे से हैं, आगे और मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अगले वर्ष और अच्छा परफॉर्म करेंगे, इस बार नहीं जीते अगली बार जीतेंगे, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। मैं सभी को यहाँ